सत्यम शिवम सुंदरम सचित आनंद स्वरूप सत्श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। सृष्टि चक्र में एक ऐसा संकट काल आता है जब मनुष्य धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और चरित्र भ्रष्ट बन जाता है। सभी मर्यादाएं टूटने लगती हैं, छोटे और बड़ों के सम्मान खत्म हो जाते हैं। लोग आलोचना करते करते गाली गलौज पर उतर आते हैं। वास्तव में यही समय धर्म ग्लानि का समय होता है। ऐसे नाजुक समय पर विश्व के रचयिता विश्वनाथ शिव बाबा एक साधारण मानवीय तन का आधार लेकर प्रकृति को अधीन करके परम धाम से इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इस भागवत मुहूर्त को कहो वेला को, संगम की सुहानी वेला कहो, इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और ऐसे में वो परम पिता परमात्मा समूची मानवता को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस ज्ञान योग के अभ्यास से आत्मा पावन बन मानव से देव पद को पा लेती है। जब आत्मा पावन बन जाती है तो भगवान शिव उन्हें सूर्य चांद सितारों से भी पार परे ते परे परम धाम शांति धाम बेहद के घर निर्वाण में ले जाते हैं, जहां आत्मा मुक्ति बोध का अनुभव करती है। शिव बाबा का फरमान है, मुझ निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी निर्विकल परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम निर्बंधन जीवन मुक्त अवस्था को पा लेंगे। आगे बाबा ने कहा, आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं, उसे इन स्थूल चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह डिवाइन चैतन्य सत्ता है, एनर्जी है वो। इसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा को भी इन स्थूल नयनों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी सचित आनंद स्वरूप सत्ता है। केवल और केवल दिव्य दृष्टि से ही आत्मा एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। परम पिता परमात्मा ही भावना के अनुसार साक्षात्कार कराते हैं, ताकि उनकी अपने इष्ट के प्रति भावना बनी रहे। लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप सूक्ष्म ते सूक्ष्म बीज रूप है। जैसे आत्मा में जन्म जन्मांतर का पाठ भरा हुआ है, ठीक वैसे परम पिता परमात्मा में पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बनाने का पाठ भरा हुआ है। और धर्म ग्लानि के समय वह सत धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आते हैं, और ज्ञान योग के द्वारा सत धर्म की स्थापना करते हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं और उसके लिए
निरंतर योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो आइए उस परम पिता परमात्मा की महिमा का गायन करते हुए अपने आप को सचेतन आत्मा समझकर बैठते हैं और प्रभु द्वारा दिए हुए ज्ञान से अपने भीतर के नैनों को खोल लेते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के उस परम पिता परमात्मा के द्वार में प्रवेश हो नहीं सकता। तो आइए कुछ क्षण गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा खोले चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। हाँ, गाइए गुणगान प्रभु का, ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तो महफिल में आया शिव शमा, गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले सारे पर्दों को हटा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा, चांदनी राहों में बिखरी प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा खोले चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। आगे बाबा ने कहा कि आत्मा की गति अति तीव्र है, एक सेकंड में कहां से कहां चली जाती है। बाबा कहते हैं अपने जो लौकिक घरवाले हैं ना, उनको भी इस ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा दो, ताकि घर घर मंदिर बन सके। सचमुच चैरिटी बिगिंस इट होम, जब घर के सभी सदस्य मिलकर ज्ञान का सिमरन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तो सबकी बुद्धि रूपी झोली खुशियों से भर जाएगी। ये भी याद रखना है, कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी देहधारी का सिमरन करने से कभी भी विकर्म विनाश नहीं होंगे, केवल एक
इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा, सुहावने संगम युग में जीते जी परम पिता परमात्मा का बन जाना है, जो संपूर्ण हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का दाता है। आज का वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। बाबा ने कहा, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतिंद्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाबा के संग कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है ना, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। आज का स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। इसलिए जब भी कोई कर्म करें तुरंत वेरीफाई करें, अगर मेरी जगह पर ब्रह्मा बाबा होते तो इस कर्म को कैसे करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति।